नमस्कार साथियों साथियों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। नारी त्रिया चरित्रम देवो न जानम, ईश्वर भी नारी के त्रिया चरित्र को नहीं समझ पाया तो हम और आप तो साधारण से मनुष्य हैं। साथियों, आज इस वीडियो में बताएंगे कि आप किस प्रकार से कैसे किसी भी स्त्री को देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि वो स्त्री चरित्र से कैसी है। वैसे तो चरित्र की बात करें, जहाँ एक ओर स्त्री सीता है वहीं दूसरी ओर शूर्पणखा है। स्त्रियों के जहाँ एक अच्छे रूप हैं वहीं बुरे रूप भी वृतांत में वर्णन में आए हैं, लेकिन आज के युग में स्त्रियों को पहचानना बहुत मुश्किल काम हो गया है। तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे करें धोखेबाज महिलाओं की पहचान। आप यदि सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तो इन ऐसी स्त्रियों के धोखों से बचे रहेंगे। नहीं तो आज का युग है, कलयुग है, अपने मतलब को सिद्ध करने के लिए लोग एक दूसरे को फंसते हैं और फंसाते हैं और उसके बाद पछतावा के सिवा कुछ नहीं रह जाता। तो आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि बड़ी आसानी से आप किसी भी स्त्री के चरित्र के बारे में जान सकते हैं। वैसे स्त्री पूजनीय है और स्त्री का सम्मान पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि तीनों लोक में, माँ के रूप में है, बहन के रूप में है, पत्नी के रूप में है, एक अच्छी सखी और के रूप में है, लेकिन फिर भी कभी कभी फिटकरी और साखर दोनों एक जैसी दिखती हैं। कहने का मतलब यह है कि फिटकरी और मिश्री दोनों एक जैसी दिखती हैं, लेकिन अंत में जब उसके करीब हम पहुंचते हैं और स्वाद लेते हैं तो पता चलता है कि नहीं, ये मिश्री नहीं फिटकरी है। तब आपके पास दुख पछतावा के सिवा कुछ नहीं बचता। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे लोग भी इस धोखेबाज स्त्रियों से सावधान रहें। पहले से ही जो आज इसमें पहचान और चिन्ह बता रहे हैं देख लें, कितना भी वो बनावटी करे, कितना भी रूप रंग अपना पोत करके आए और कितना भी आपके सामने मासूम बनने की कोशिश करे, अगर ऐसे उसके प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, तो ऐसी स्त्रियों से घुलने मिलने से पहले दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो परिणाम आपके साथ गंभीर हो सकते हैं। बहुत आसान सा उपाय है जो इस वीडियो में बताएंगे, यानी कि बहुत आसान सी बात है जो इस वीडियो में बताएंगे कि आप किसी भी महिला को जो धोखेबाज है उसको कैसे पहचान सकते हैं। बीच रास्ते पे छोड़ के आपको चली जाएगी, जब भी आप पे मुसीबत आएगी, संकट आएगा, कष्ट आएगा, तो ऐसे फुर रोगी कि आपको भी नहीं पता चलेगा अरे ये हुआ क्या। तो आज इस वीडियो में इस बात को आपको बताएंगे, करें, समझें और पहचान जरूर करें ऐसी स्त्रियों से, दूर रहें तो अच्छा है। तो यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले निवेदन है, विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे लोगों को भी हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। निवेदन है, विनती है। साथियों, किसी भी धोखेबाज स्त्री या महिला की पहचान दो बातों से होती है, जो शरीर में हमें उसके प्रत्यक्ष रूप में दिखता है, आँख और पैर। किसी भी स्त्री की आँखें, वो आँखों में आप अगर डूब गए तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आँखों से कैसे पहचान करें और उसके पैरों से कैसे पहचान करें कि ये स्त्री आपको धोखा देगी, ये स्त्री स
सही नहीं है, इससे दूर ही रहो, ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहली बात याद रखें कि जिस स्त्री की कनिष्ठा पैर की उंगली, पैर की सबसे छोटी उंगली पृथ्वी पे टच ना होती हो, जब वो खड़ी होती है उसका पैर जमीन पर है, तो यदि उसकी कनिष्ठा यानी कि सबसे छोटी उंगली पैर की पृथ्वी पर नहीं लग रही यानी कि ऊंचाई पर है, तो ऐसी स्त्री मान लो कभी वफादार नहीं होती, हमेशा धोखा देगी। दूसरा आसान उपाय है कि जिस स्त्री की अनामिका उंगली पैर की यानी कि करंगली के बाजू वाली उंगली, सबसे छोटी उंगली के बगल वाली उंगली, अनामिका उंगली पैर की यदि अंगूठे से लंबी है, बड़ी है, तो ऐसी स्त्री भी बहुत क्रोधी स्वभाव की होती है, बहुत मतलबी स्वभाव की होती है, और ऐसे पे चरित्र का भी भरोसा इन स्त्रियों पर नहीं करना चाहिए। ध्यान रखेंगे, बचे रहेंगे। ये तो हो गया किसी स्त्री के पैर को देखकर आप बड़ी आसानी से उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि ये चरित्रवान है या ये वफादार है या ये चरित्रहीन है या धोखेबाज है। अब आपको उसकी आंखों को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि यह स्त्री कैसी है। जिस स्त्री की आंखें डरावनी हो और पीले कलर की हो, ध्यान रखें, डरावनी हो और पीले कलर की हो, ऐसी स्त्रियों से दूर रहें, बेहतर है। हालांकि भूरे रंग के आंखों वाली स्त्री प्रेमल होती है और वफादार होती है, इसमें कोई संदेह नहीं, उसमें आदतें भी अच्छी होती हैं, लेकिन पीले आंख वाली, पीली सी मटमैले आंखों की स्त्री से और जिसकी आंखों में थोड़ा सा भय सा महसूस हो देखने के बाद, तो समझ जाओ उससे दूर ही रहो तो बेहतर है। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।